कढ़ी के लिए या वैसे पकौड़ी बनानी हो तो उसके लिए मैं टिप दे रही हूँ कि उसके लिए आप बेसन को भिगो के रख दीजिए, जैसे मैंने इसको रख दिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक, अजवाइन और हींग डाल के रख दिया है। हमें इसको और मुलायम बनाना है कढ़ी के लिए, तो थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे पानी और एक चुटकी हम इसमें डालेंगे सोडा। सोडा आपकी क्वांटिटी आपके बेसन के आधार पर रहेगी, तो ये मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें सोडा डाल दिया है। ज़्यादा सोडा डालने से भी इसकी महक आने लगेगी और बहुत ज़्यादा वो मुलायम हो जाएगी। और इसको हम अच्छे से फेंटेंगे और इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाएंगे। ये पकौड़ी आप प्याज, आलू, गोभी की बनाने के लिए भी ये टिप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से हम कढ़ी में पकौड़ी बनाएंगे। अब मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी और फिर उसको कढ़ी में डाल के आपको दिखाऊंगी। देखिएगा ये कितनी मुलायम और सॉफ्ट बनेंगी। और बेसन हमारा देखिए कितना फ्लफी हो गया है। और इसकी मैं छोटी छोटी पकौड़ी बनाऊँगी और मीडियम फ्लेम पर हमारी ये पकौड़ी रहेंगी। तेल मैंने पहले से गरम कर लिया है और देखिए ये कितने अच्छे से फूल रही हैं पकौड़ियाँ। और कढ़ी में डाल के और मुलायम हो जाएंगी। तो कैसा लगा ये मेरा टिप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे भी आपको इस तरीके की टिप देती रहूँ। बस पकौड़ियों को करेंगे हम अलट पलट। देखिए अपने आप ही फूलने लगी हैं पकौड़ियाँ। देखिए हमारी पकौड़ियाँ मैंने मीडियम फ्लेम पे सेकी हैं। इनको हम कढ़ी में डालेंगे जब हम कढ़ी करेंगे सर्व। और मैं आपको ये छू के दिखाती हूँ कितनी ये देखिए मुलायम है, कितनी मुलायम पकौड़ियाँ हैं और कितनी फ्लफी हैं। तो इस तरीके की टिप Yeah.